जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। आज की वीडियो है बहुत ही रोचक, जो कि गर्मी के मौसम में सभी के तुलसी के पौधे सूख गए हैं अथवा जिनकी तुलसी के पौधे में 2-3-4 पत्ती नज़र आ रही हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपको वीडियो में बताएंगे कि अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है ये संकेत। कुछ ऐसे हैं 9 संकेत जो जानने से आपको 100% आपको रिजल्ट लगेगा कि हाँ, अब आपके समय आपका समय अच्छा चलने वाला है। ये है 9 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजे जाने वाले तुलसी का पौधा जिसके घर में लगा होता है उसके घर में कभी भी धन आने की कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसे लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ भी होते हैं, जो कि मान्यता है कि मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसे घर में हमेशा उसके लक्ष्मी का वास होता है। वहीं पे शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में आने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, ये हमने भी अपने साथ अनुभव किया है कि एक बार तुलसी का पौधा बहुत सारा सूख गया था और यहाँ तक कि गुड़हल का प्लांट भी मेरे सूख गए थे। उसी समय 2-3 महीने के बाद ही हमारे यहाँ एक बहुत भारी भयानक घटना घटी, जो एक्सीडेंट का था वो। लेकिन भगवान की परम अनुकंपा, उनकी कृपा रही कि हम सभी परिवार सुरक्षित रहें। आगे चलते हैं। जिस तरीके से तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है, तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, तो एक लाइक और अच्छा बुरा जो भी आप फील करें इस वीडियो को देखकर आप कमेंट भी ज़रूर लिखें। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस तरीके से आप अपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी, नियमित रूप से जल देने के बाद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है, या तो बताते थे हैं कि तुलसी का सूखना इस बात की तरफ संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ का वास हो गया है। साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का हानि होने वाला है। ऐसे तो तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक सूख जाते हैं या गिरने लगते हैं, पीले पड़कर गिरने लगते हैं, तो प्राकृतिक है। लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इससे अशुभ माना जाता है। अभी काफ़ी गर्मी चल रही है तो तुलसी के पौधा बहुतों का सूख जाता है, तो इसके लिए आप चिंतित ना हो। हाँ, अगर अचानक सूखने लगे तो वो अशुभ माना जाता है। तो आपके घर में तुलसी का पौधा अचानक सूखता है तो आपके घर में कलेश, बंटवारे जैसी भी मुश्किलें लाता है। यहाँ तक कि उसके घर में तुलसी का पौधा उगने ही नहीं देता है। चाहे कितने भी तरीके से तुलसी का पौधा आप लगा लें, उसको बढ़ने नहीं देगा, सूख जाएगा। उसी तरीके से पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद भी होते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके का संकेत मिले तो इस विपत्ति के छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। जब तुलसी के पास छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो ये शुभ शकुन माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होने वाला है।
अगर आपके व्यापार में तरक्की होने वाली होती है तो इतना ही नहीं, यह इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर में जल्दी माँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। अगर पीले फूल वाली भी पौधे तुलसी में साथ में उग जाए तो भी शुभ माना जाता है। नंबर 3, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटी जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां मकौड़े जैसे छोटे जीव जहां अपना घर बना लेते हैं, लेकिन बता दें कि ये शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है, किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन की हानि पहुंचाने वाला है। नंबर 4, तुलसी के पौधे को सुंदर और मनमोहक चिड़िया कोयल आसपास आकर बैठती हैं, खिलखिली नज़र से उनको देखती हैं, तो इसे बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी तरह से ऐसे संकेत को माना जाता है कि जल्दी आपको धन का लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाएगी। वहीं पे तुलसी के पौधे पर चिड़िया आकर बैठती है तो धन लाभ का संकेत माना जाता है। बता दें कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जितना बार भी तुलसी के पौधा लगाया जाए उतनी बार सूख जाता है, यानी नहीं टिकता है, तो इसका इशारा आपके घर में बुरी तरीके से नकारात्मक शक्तियों का वास है। पितृदोष का संकेत बताता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, इसे कई कष्ट का छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों में आप कुछ दान दे सकते हैं। नंबर 6, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद भी झर रहा है, सूख रहा है, तो इसके पत्ते गिर रहे हैं, तो धन और स्वास्थ्य दोनों पर बुरा लक्षण देखा जाता है। घर में धन का नाश होना बहुत या बीमारी के ऊपर पैसा खर्चा या चोट का संभावना आशंका बनी रहती है। वहीं पर 7वें नंबर में बता दें कि नज़र दोष के कारण भी तुलसी की पौधे सूख जाते हैं, पत्तियां काली पड़ जाती हैं। इसे वास्तु दोष में घर को नज़र लगने का माना जाता है। ऐसा निगेटिविटी हावी होती है कि आपकी तुलसी बार बार पौधा सूखने लग जाता है, लेकिन ये फलता फूलता नहीं है। इसका मतलब ये है कि सकारात्मकता की कमी है, ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं होता है। वहीं पर घर में भी पितृदोष होता है। ऐसा भी आप घर की तुलसी का नया पौधा लगाती हैं तो एक या दो दिन के बाद वो सूख कर झड़ने लग जाता है। ऐसे में आपको ये समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई, झगड़ा, कलह, क्लेश होती रहती हैं। तुलसी के पौधे सूखने लगते हैं, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि कितनी परेशानियाँ आपके पितृदोष के कारण आपके आसपास आ रही हैं। और इसे बचने के लिए ज़रूरतमंदों को दान, पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 9 की तरफ ले चलते हैं। तुलसी का पौधा मौसम अच्छा रहने के बाद भी पीले होकर गिर जाते हैं, इससे निगेटिविटी से जोड़ा जाता है और इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, साफ सफाई, परिवार वालों को आदतों में सुधार करने की ज़रूरत होती है। वहीं पर 10 बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह घर में आने वाले संकटों का इशारा करता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं लग रहा है तो एक कन्या जो जिसकी उम्र 8 वर्ष तक की हो तो उनसे आप लगा कर देखें, निश्चित रूप से आपके तुलसी के पौधे टिक जाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।